नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 50+ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के MCQ क्वेश्चंस, जो आपके आने वाली परीक्षा MTS चल रही है, NTPC, लोअर PCS, SSC, CHSL के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? आपके पास ये चार ऑप्शन है, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोथल में क्या मिले थे, बंदरगाह मिले थे। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन दर्शनों की संख्या कितनी है? 6, 4, 8, 5। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6। नेक्स्ट है, वैदिक संस्कृति मुख्यतः किस प्रकार की थी? नगरीय, ग्रामीण, असामाजिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लगा लिया होगा आपने, तो आपका सही आंसर होगा कौन सी, ग्रामीण सभ्यता थी। जब हड़प्पा सभ्यता थी तो वो नगरी थी और वैदिक संस्कृति ग्रामीण सभ्यता रही है। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? बिंबसार, घनानंद, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घनानंद उस समय उसका शासक था। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें ईश्वर की स्तुति के मंत्र हैं, वैदिक यज्ञों की विधि है, केवल आर्य संस्कृति का वर्णन है, हिंदू देवताओं के कार्यों का वर्णन है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानगार किस स्थान में स्थित था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रंगपुर, आलमगीरपुर। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में स्नानगार और अन्नानगार के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में आर्यों की क्या विशेषताएं नहीं थी? समाज चार वर्गों में बटा हुआ था, सामाजिक जीवन का आधार परिवार था, धर्मांधता, मुख्य व्यवसाय कृषि था। इनमें से कौन सी विशेषता नहीं थी? तो विशेषता जो थी वो नहीं थी कौन सी? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मांधता। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? भृंगु संहिता, ऋग्वेद, मनुस्मृति, जातक। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद जो है आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में धार्मिक व आर्थिक रूप से किस पशु को सर्वाधिक सम्मान व महत्व प्राप्त था? गाय, बैल, घोड़ा, सिंह। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गाय को जो था वो बहुत ही सर्वाधिक सम्मान और महत्व प्राप्त था इस पशु को। नेक्स्ट है, वर्धमान महावीर जैन मत के प्रवर्तक का जन्म कब और कहाँ हुआ? 6 शताब्दी के ईसा पूर्व वैशाली के पास, 3 शताब्दी ईसा पूर्व कुशीनगर के पास, 6 शताब्दी ईसा पूर्व पावापुरी के पास, 4 शताब्दी ईसा पूर्व कपिलवस्तु के पास में। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 शताब्दी ईसा पूर्व के पास वैशाली में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? 527 ईसा पूर्व गया में, 567 ईसा पूर्व कुशीनगर में, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में और 327 ईसा पूर्व सारनाथ में। तो आपका सही जो आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
से 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने उपदेश किस स्थान पर दिया? लुम्बिनी में, बोधगया में, सारनाथ में, वैशाली में। तो आपका सही जो आंसर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया। निम्न में कौन सा जैन धर्म के तीर्थरत्न में शामिल नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक चिंतन। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सम्यक चिंतन। नेक्स्ट है, भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव कौटिल्य ने किसकी सहायता से रखी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। तो आप जानते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त के द्वारा चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से जानते हैं, चाणक्य कौटिल्य और विष्णुगुप्त, तीन नामों से इसको जाना जाता है, कौटल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। नेक्स्ट है, कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रसार किया, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रसार किया। नेक्स्ट है, कला की गंधार शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? अशोक के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, कनिष्क और बिंदुसार। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के समय में गंधार शैली सर्वाधिक विकास हुआ। भारत का स्वर्ण युग किस वंश के शासनकाल को कहा जाता है? गुप्त काल को, वर्धन काल को, मौर्य काल को, कुषाण काल को। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा गुप्त काल, यानी गुप्त काल को स्वर्ण युग का वंश माना जाता है। नेक्स्ट है, विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन सा था? उज्जैन, वाराणसी, धारवाड़, विदिशा। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। नेक्स्ट है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? धर्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, वास्तुकला में। तो सबसे अधिक जो विकास हुआ वो हुआ था आपका वास्तुकला के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में साहित्य के क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध था? आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, बहरामिरी। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कालिदास, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। नेक्स्ट है, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? धन्वंतरी, पतंजलि, बराहमिहिर, पाणिनि। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धन्वंतरी। गुप्त काल में प्रमुख औषधि के विद्वान थे। हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? हिंसांग, मित्सिंग, फायान, चांगकाई। तो आपका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका हेनसांग भारत में आया, जिस समय हर्षवर्धन का काल था। अजंत की अधिकांश गुफाएं किस युग में बनी थी? कुषाण युग में, गुप्त युग में, चालुक्य युग में, मौर्य युग में। तो लगा लिया होगा आपने, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त युग में। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय निम्न में से किन स्थानों का शासक था? दिल्ली व अजमेर, दिल्ली व पंजाब, कन्नौज, अजमेर व उदयपुर। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली व अजमेर। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? नासिक, उज्जैन, अयोध्या, नालंदा। तो आपने लगा लिया होगा, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नालंदा। नेक्स्ट है, 712 ईस्वी में सिंध पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व करता कौन था? महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद खां, मोहम्मद गौरी। तो आपका सही जो आंसर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन सा कार्य किया? बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की, वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया, प्रशासन चुस्त दुरुस्त किया, मंगोलों का आक्रमण रोकने के लिए विशाल सेना
प्रकरण किया या उपर्युक्त में से सभी। तो आपका सही जो आंसर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसने वो सारे कार्य किए। नेक्स्ट है, प्रतापी चोल शासकों में कौन से शासक प्रसिद्ध हुए, राजेंद्र प्रथम, राजा राम प्रथम, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। कई बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से चोल शासकों से। कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ, बहराम शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन महमूद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के काल में इसका कार्य पूरा हुआ जब कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में इसका निर्माण शुरू हुआ था। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु गोविंद, गुरु अर्जुन देव। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक। नेक्स्ट है, किस बादशाह ने फतेहपुर सीकरी बनवाई, अकबर ने, जहांगीर ने, शेरशाह सूरी ने, या फिर शाहजहां ने। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बनवाया था। एक शक्ति के रूप में मराठा को किसे संगठित किया, साहू ने, बालाजी विश्वनाथ ने, शिवाजी, बालाजी बाजीराव ने। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी ने संगठित किया था। निम्नलिखित शासकों में से कौन सा शासक अपनी बुद्धिमत्ता एवं पागलपन के लिए प्रसिद्ध था, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। एक ऐसे विद्वान था शासक, बहुत बुद्धि वाला और उसके अंदर पागलपन भी था, इसलिए उसको बुद्धिमत्ता और पागलपन के लिए वो प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की औपचारिक नींव किस युद्ध से पड़ी, पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, या फिर प्लासी का युद्ध। तो लगा लिया होगा आपने, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू कॉलेज के विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था बुक्का प्रथम, कृष्णदेव राय, राम राय, हरिहर प्रथम। तो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। निम्न में से किस मुगल शासक के काल में अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो भारत आया, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, सांझा। कई बार कुछ पूछा भी गया है, तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका जहांगीर। सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड ऑकलैंड को। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, भारतवर्ष से व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। नेक्स्ट है, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था, तैमूर, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, अकबर। तो आपको पता ही है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कार्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड आर्थर बैलेजली। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सी, बारेन होस्टिंग। जहांगीर ने सिखों के किस गुरु की हत्या करवा दी थी, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ 1857 में समाप्त हुआ, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, शाह आलम, बहादुर शाह, जफर।
तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर के द्वारा। वर्ष 1964 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? अवध के नवाब शुजाउद्दौला को, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, बंगाल के नवाब मीर कासिम को, उपर्युक्त में से उपर्युक्त तीनों को संयुक्त रूप से। तो आपका सही जो आंसर होगा वो यही हो जाएगा, उपर्युक्त को तीनों को संयुक्त रूप से हराया। राणा प्रताप का संबंध निम्न में से किस राज्य से था? अजमेर से, मालवा से, मेवाड़ से, मांडू से। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मेवाड़। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर इंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। ऐसे पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के भारतीय प्रथम गवर्नर कौन थे, तो हो जाएगा आपका सिराज गोपालाचारी। अभी किसका क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? कनिष्क द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बादशाह ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अकबर ने। नेक्स्ट है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल, अकबर, अमीर खुसरो, फैजी। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल द्वारा आईने अकबरी लिखी गई। निम्न में कौन सा महल अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था? रंग महल, पंचमहल, मोती महल, जहांगीर महल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचमहल। नेक्स्ट है, हरियर और बुक्का ने दक्षिण भारत में कौन सा साम्राज्य स्थापित किया था? विजयनगर, सुजानगढ़, बहमनी राज्य, हरिनगर। तो आपका जो सही आंसर होगा आपने लगा लिया होगा, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर साम्राज्य। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे प्रश्न, जो आप किसी परीक्षा पूछे जा सकते हैं। कितने क्वेश्चन सही हैं आपके, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो मिल सके। धन्यवाद।